माध्य यानी मीन, जिसे औसत यानी एवरेज भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए बहुत ही आसान शब्दों में, आसान भाषा में आप इसे समझें कि संख्याओं के औसत को माध्य कहते हैं। अब संख्याओं के औसत को ही माध्य क्यों कहते हैं, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि माध्य बराबर प्रेक्षणों का कुल योग, यानी ये सभी जो प्रेक्षण दिए हैं इस सब को जोड़ दीजिए, बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, जितने प्रेक्षण दिए हैं उससे आप भाग दे दीजिए, ठीक है। यदि माध्य को एकदम बेहतर ढंग से समझो तो जो दिया है सबको जोड़ दो, उतने से भाग दे दो, जितना दिया है सबको जोड़ के ऊपर लिख दो और जितना बार दिया है उससे आप उसको भाग दे दो। यानी ये जो संख्याएं हैं इस पांचों को दो जोड़ दो, एक दो तीन चार पाँच, यानी प्रेक्षण जो पाँच हैं उससे भागा दे दो। प्रेक्षणों का कुल योग यानी एक दो तीन चार पाँच छः, इस छों को जोड़ दो और छः प्रेक्षण से भाग दे दो, ठीक है। अब एवरेज क्यों होता है, आप ये देखो कि आप मान लिया जाए एक गाय खरीदने जाते हो, ठीक। गाय वाला बोलता है कि मेरी गाय 10 केजी दूध देती है ना, और मैं इसे 40,000 या 50,000 रुपया में आपको दूंगा, तो क्या आप विश्वास कर लोगे कि उसकी गाय 10 केजी दूध ही देती है? तो आप क्या कहोगे कि नहीं, पहले मैं देखूंगा कि गाय सही में दूध देती है कि नहीं। तो आप 2-3 दिन जाओगे, चलिए पहला दिन गए तो गाय ने 7 केजी दूध दिया, ठीक। दूसरे दिन गए तो वह 4 केजी दूध दी, ठीक है। तीसरे दिन आप जब गए तो वह जो है ना, अब मान लिया जाए कि 7 केजी फिर दी, पहला दिन गए 7 केजी दी, दूसरा दिन गए 4 केजी दी, तीसरा दिन भी 7 केजी दी, तो क्या बताइए कि इस तरह की गाय यदि 3 दिनों में इतना दूध देती है तो क्या आप समझ जाओगे कि यह 10 किलो देती है? तो बस यहीं से है ना एवरेज यानी औसत बनकर आया कि आप इसे जोड़ दीजिए। जोड़ दिए कि 3 दिन गए, मान लिया सोमवार मंगलवार बुधवार, 3 दिन गए, पहला दिन 7 केजी मिला, दूसरा दिन 4 केजी मिला, तीसरा दिन 7 केजी मिला, तो 3 दिन गए तो इसको जोड़ दीजिए। कितना दिन गए थे? 3 दिन गए थे तो 3 से भाग दे दीजिए, 7, 7, 14, 4, 18, 18/3 कितना बार में? तो कहिएगा दूध वाले ग्वाले से कि भाई साहब आपकी गाय लगभग 6 केजी दूध देती है, क्योंकि हर ग्वाला या हर बेचने वाला चाहता है ना उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, तो वह झूठ बोल के भी है ना अपनी गाय बेच लेता है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला कहता है कि 0, 1, 2, 3, 4, इसलिए माध्य बराबर क्या होता है बाबू? प्रेक्षणों का कुल योग, इस सारे प्रेक्षणों को आप जोड़ दीजिए। जोड़ दिए प्रेक्षणों का कुल योग, जो भी संख्याएं दी है उसको जोड़ दीजिए, और प्रेक्षणों की कुल संख्या कितने प्रेक्षण है, अब ये मत कहना कि शून्य का मान नहीं होता, नहीं गिनेंगे, आखिर यह भी तो एक संख्या है ना, 1, 2, 3, 4, 5/5, यानी जितना संख्या दिया है आप उसको जोड़ दीजिए और जितनी संख्या दी हुई है उससे आप भाग दीजिए। प्रेक्षणों का कुल योग, प्रेक्षण क्या क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, आप उसको जोड़ दीजिए क्योंकि प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, कितने प्रेक्षण दिए हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, अब जोड़िए आप, शून्य का तो वैल्यू नहीं है, 2, 1, 3, 3, 6, 4, 10/5, कितना बार में? तो आपका 2 आंसर होगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा माध्य भारी है या माध्यक भारी है, कुछ भी भारी नहीं है। कोई भी सवाल तब तक भारी है जब तक भारी समझ रहे हो, ठीक है। जब ही आप सवाल से लड़ने बैठ जाओगे तो सारे सवाल आपको है ना बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही आसानी से समझ में आएंगे, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर, मैंने पहला बताया है और तीसरा बताया है, आप 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, यानी 5 सवाल को घर से बनाइएगा, क्योंकि आप जब तक खुद में मेहनत नहीं करोगे, ठीक है, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। ऐसे बनाने के मैं पूरा बना दूंगा, लेकिन जब आप करोगे ना, जब आप बनाओगे तो मुझे बेहद खुशी होगी कि मैंने जो पढ़ाया है वो आप समझ गए हो, ठीक है। तो आप 2, 4, 5, 6, 7 बना के
ठीक है। और आंसर जो है मुझे आप कमेंट्स करना कि दो का आंसर कितना निकला, तीन का आंसर कितना निकला, ठीक है। तो चलिए तीन नंबर, इसलिए माध्य बराबर मैंने क्या कहा है, जो भी दिया है सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, यानी शून्य प्लस दो प्लस एक प्लस जीरो प्लस तीन प्लस चार प्लस जीरो प्लस दो प्लस पांच प्लस चार, सबको जोड़ दो और उतना से भाग दे दो, कितना है तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, तो सबको जोड़ दो और उतना से भाग दे दो, ठीक है। सब मिला के जोड़ दो फिर उतना से भाग आप दे दो, ठीक है। तो प्रेक्षण आपको दिए हुए हैं, आपको दिए हुए हैं जीरो दो एक जीरो तीन चार जीरो दो पांच चार, तो सबको हमने जोड़ दिया, क्योंकि माध्य बराबर ही होता है प्रेक्षणों का कुल योग, जितने प्रेक्षण दिए हैं सबको जोड़ दो और जितने प्रेक्षण को आपने जोड़ा है जितनी संख्याएं बार वो उतनी बार जितना बार आया है आप उससे भाग दे दो, तो प्रेक्षणों का कुल योग, तो इस सबको जोड़ते हैं, जोड़ो तो दो एक तीन तीन छ चार दस दो बारह पांच सत्रह चार इक्कीस बटा दस, यानी 2.1, यही आपका आंसर होगा। अब कैसे होगा, 21 में 10 से भाग दो, दो बार में 20, एक अब तो लगेगा नहीं भाग, क्या लोगे दशमलव, यहाँ जीरो, एक बार में 10, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यह आपका पार्ट वन है, जल्द ही आपको है ना पार्ट टू मिलेगा, यह आपका जो है ना पार्ट वन है, तो जुड़े रहिए आप, ओके, थैंक यू। Oh, oh, oh.